बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली के तमाम मेरे खानदान को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा सलाम, दुआएं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार। और सुनाए आप लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज इस वक्त मैं बना रही हूँ साबूदाना, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो जो काम करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये साबूदाने को मैंने पहले अच्छी तरह धोया, वाश किया, क्योंकि कोई मिट्टी वगैरह हो तो निकल जाए। और उसके बाद मैंने ना थोड़े से पानी में इसको भिगो दिया, और अब मैंने रख दिया इसको चूल्हे पे, हल्की सी आँच चला दी है, और इसको हम पका लेते हैं। अब तो इस अब थोड़ा ये मतलब जैसे ये तो पानी इसमें मैंने डाला हुआ, ये सूख जाए, फिर डाल दूँगी दूध, और उसके बाद डाल दूँगी चीनी, तो ये फिर तैयार हो जाएगा। तो अब आज साबूदाना बनाया है, क्योंकि आज साबूदाना खाने का शौक हो रहा है किसी को। तो कभी कभी वैसे भी चीज़ें खाने का दिल जाता है, और कभी कभार कोई तकलीफ़ वगैरह जब भी इंसान खाता है। तो यहाँ पर कर रही चावल गरम, रात को हमने बनाए थे आलू बैंगन का सालन, और साथ में बनाए थे वाइट चावल। आपको मालूम ही है जैसे घर में कड़ी पकौड़े बने, या दाल साबुत मसूर की दाल बनाऊँ, या कोई भी दूसरी दाल बनाऊँ, और इसके अलावा बैंगन आलू बनाऊँ, तो फिर आपको पता ही है कि साथ में चावल लाजमी बनते हैं। छोटी फ़ौरन चावल निकाल के चावल बना लेती, तो रात को चावल बनाए थे उसने, तो हम लोगों ने चावल रात को खाए थे। तो अभी इस वक्त मैं गर्म कर रही हूँ इसे, दोपहर का टाइम है, तो मैंने तो अभी नहीं खाया, मैं छोटी के लिए गर्म कर रही हूँ, और वो भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी अगर खाएंगे तो दोनों। और यहाँ पर हमारा साबूदाना भी बनने के लिए तैयार हो रहा है, वहाँ चावल रखे हमने गर्म करने के लिए। यहाँ मैं डाल दूँगी चीनी, जिसमें अल्लाह रहमान रहे, बस ये डाल देते हैं 2.5 कप, देखते हैं फिर मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये ना डाल देते हैं दूध, जो पहले वाला दूध था का डिब्बा था वो तो ख़त्म हो चुका है, नूरपुर बटर का ये वाला दूध है, इसको यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दूध है, गाढ़ा दूध होता है ना, इसकी कोई चीज़ भी बनाते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती है, जैसे खीर बनाते हैं, या कोई कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं, या कुछ भी बनाएं, साबूदाना ही बनाएंगे, देखिए कितना मज़ेदार बनेगा। बस थोड़ा और पकाते, साबूदाना हो चुका है हमारा तैयार। बहुत ही आसान तरीके से बनता है, और यहाँ पर चावल भी गर्म हो चुके हैं तकरीबन सालन भी गर्म कर लेती हूँ साथ लाके। ये गर्म हो जाता है फिर मैं साथ में गर्म कर लेती हूँ, साथ में बना लेते हैं। साबूदाना तैयार हो जाए, चम्मच चलाऊंगी क्योंकि ये ना नीचे भी लग जाता है, थोड़ी आग करती हूँ तेज ताकि ना जल्दी बने। साबुदाना हो चुका हमारा तैयार, तो उसको कर देते हैं बंद, और फ्लेम कर देते हैं बंद, और इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और वहाँ रख देते हैं सालन, तो इस पर ढक्कन दे देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सालन गरम कर लेते हैं दूसरी तरफ। तो चावल गरम कर लिए मैंने, सालन कर लेती हूँ गरम, ये देख सकते हैं आप आलू बैंगन का सालन जो रात को मैंने बनाया था। तो इसमें मतलब थोड़ा सा वो रखा था ना, मतलब ग्रेवी सी चावल पर डाल के खाने के लिए, बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत मज़ेदार। इसका भी गर्म कर लेते हैं, और चूल्हा मैंने बंद कर दिया, साबूदाना तैयार हो चुका, और यहाँ पर निकाल लेते हैं आटा। ये आटा जो है ना, तो इसमें निकाल लेते हैं प्याली में, इसके अंदर मान रही हूँ। इस पर दे देते हैं, रख देते हैं फ्रिज में, और ना ये बर्तन इतनी देश की वगैरह धो लेते हैं। बर्तन देखें मैंने अभी दोबारा धोए, बर्तन तो माशाल्लाह सारा दिन ही धुलते रहते हैं। तो चलो आटा को रख देते हैं फ्रिज में। तो सालन हो चुका है हमारा गर्म, तो आप देख सकते हैं, तो इसको ढक्कन से ढक देते हैं, क्योंकि हर चीज़ को ढक के रखना चाहिए, हर चाय हर चीज़ को, कभी भी किसी चीज़ को नंगा नहीं रखना चाहिए।
और ऐसे भी ना चम्मच बीच में रख के ना कभी नहीं सालन रखना चाहिए। तो अभी मैं पास खड़ी हूँ तो मैंने ऐसे चम्मच छोड़ा है क्योंकि इधर इतने बड़े बड़े सुराख हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ अंदर जा सकती है। अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई वाकया हो, ऐसे हज़ारों वाकये हो चुके हैं। और आजकल मौसम है बरसात का और ना छिपकलियाँ बहुत छिपकलियों के छिपकलियों के बच्चे, क्योंकि इस मौसम में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा अंडे देती हैं और बच्चे देती हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी को अपने ज़ुबान में अपनी हिफाजत कायम रखे, अपनी हिफाजत करनी चाहिए इंसान को, हर चीज़ ढांक के रखनी चाहिए। कई बच्चे बच्चियाँ ऐसे होते हैं मतलब चीज़ों को नंगा रख देते हैं, कई औरतें ऐसी होती हैं चीज़ों को ना पका के नंगा छोड़ देती हैं। तो उन सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अपनी चीज़ों को ढांक के रखें, एहतियात करें और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में अपनी हिफाजत में रखें, अल्लाह पाक सबको बचाए बुरे वक्त से। तो चाय रख दी मैंने ऊपर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डाल देती हूँ उसमें पत्ती, साथ में डाल दूँगी चीनी। साथ में डाल दूंगी दूध, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस चाय दो कप एक मिशा का मेरा ढक्कन दे देते हैं इसके ऊपर। इलायची डालने भूल गए, इलायची भी डालनी है, ये इलायची दो डाल देते हैं इसमें डाल पाने। चलो चाय बनती फिर मिलती है, हमारी बन चुकी है, चाय में आ चुका है बॉयल तो देख सकते हैं आप। तो इसको एक बड़ा बॉयल दे देती हूँ और फिर इसको कर देती हूँ बंद। चाय माशाल्लाह मैंने बनाई है बड़ी मज़ेदार और कड़क, क्योंकि तो मुझे कड़क चाय अच्छी लगती है, चीनी कम हो, पत्ती और दूध ज़्यादा हो और कड़क। तो चाय बन चुकी है, चाय को कर देती हूँ बंद। तो माशाल्लाह चाय बहुत मज़ेदार बनी है देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने साबुदाना रख दिया पानी में, टब में बर्तन वाले टब में पानी डाल के मैंने इसमें रख दिया, साबुदाना तैयार हो चुका है। ढक्कन दे देते हैं अभी, फिर इसको हम थोड़ी देर बाद में चम्मच को निकाल लूँगी। तो यहाँ बना लेते हैं, आग जलाते हैं वरना बनाते हैं स्लाइस गरम फ्राई करते हैं तलते हैं और साथ में बनाते हैं अंडा नाश्ता बना रहे मतलब। चलिए दिखा, तो यहाँ बना लेते हैं स्लाइस, तल लेते हैं इसको, ऐसे रख लेते हैं और डाल देते हैं। नहीं मैं होगा तुम्हारे पलंग के पास ही। अब बना लेते अंडे, तो ये दो अंडे डालनी है मैंने तवे पे, तो ये भी बना लेते हैं साथ में। इनको ना पलट लेते हैं, तो अंडे बन चुके हैं इनको निकाल लेते हैं प्लेट में, स्लाइस में निकाल दिए इनको भी निकाल लेते हैं। तो नाश्ता देखें मैंने कर लिया तैयार माशाल्लाह से, स्लाइस भी फ्राई कर लिए, दो अंडे और चाय का कप देख सकते हैं। तो अब
जिस जिसने जो चीज़ खानी है वो सबको देती हूँ, साबुदाना भी देती हूँ और ये वाला नाश्ता भी और चावल और सालन भी। चलें फिर।